अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बेस 5 एंड बेस 5 टू डेसिमल कन्वर्जन। किस तरह हम डेसिमल यानी बेस 10 नंबर्स का बेस 5 नंबर में कन्वर्जन करते हैं या बेस 5 का डेसिमल या बेस 10 नंबर में कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले कन्वर्जन की जानिब। डेसिमल टू बेस 5 कन्वर्जन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेसिमल में एक नंबर है 570, ये एक डेसिमल में हमारे पास एक नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, बेस 5 में। ठीक है, तो चलिए इसको हम कन्वर्जन इसकी करते हैं। हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे 570 का 5 पे, क्योंकि हमने बेस 5 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम 5 पे इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले 570 को 5 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 सब्ट्रैक्ट करें 0 आ जाएगा, 7 को नीचे ले आए तो ये 1। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, ये 0 नीचे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4, नीचे कुछ नहीं बचा तो इसलिए हम लिखेंगे इसको 114 और 0। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। फिर हम इसको 114 को हम फिर 5 पे डिवाइड कर लेंगे, तो इसको फिर 5 पे डिवाइड करने से 114 डिवाइड बाई 5 तो क्या आ जाएगा इसको 2, यहाँ पे 10, ये 1 आ जाएगा, 4 को नीचे ले आए तो ये क्या आ जाएगा फिर 2 22, यहाँ पे आ जाएगा 10, 4 नीचे बच गया। अच्छा, यहाँ पे 5 से नीचे जितने भी मतलब नीचे हमारे पास रिमाइंडर बचते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस 5 में हम 0 से 4 तक के नंबर हम लिख सकते हैं। हाँ, अगर 4 से ज्यादा नंबर आए तो उसको फिर हम 5 पे डिवाइड करेंगे, उसको हम रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। बाकी 0 1 2 3 4 ये जितने भी रिमाइंडर बचे हम उसको यहाँ पे साइड पे लिखते जाएंगे। तो 22 लिख लेंगे और ये रिमाइंडर नीचे बच गया तो इसको 4 इस तरह लिख लेंगे। अब 22 को फिर 5 पे डिवाइड कर लें, 22 को 5 पे डिवाइड करने से फिर ये आ जाएगा क्या 420, नीचे क्या बच गया 2 तो हम लिख लेंगे 4 व 2। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब ये 4 जो है 5 पे डिवाइड नहीं होता और 4 हम बेस 5 में ले सकते हैं, इसलिए इसको इधर ही हम छोड़ देंगे। अब हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे नीचे से और इस तरह हम जाएंगे, मतलब ये क्या होगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका एंड होगा। ठीक है, तो हम इस तरह ले लेंगे 4 2 4 0, मतलब बेस 5। ठीक है, तो ये नंबर 570 जो डेसिमल में था वो बेस 5 में इस तरह आ जाएगा 4 2 4 0 विद बेस 5। तो ये हो गई कन्वर्जन डेसिमल टू बेस 5 में। अच्छा, अब यही बेस 5 वाला ये नंबर हम इसको कन्वर्ट करते हैं वापस से डेसिमल में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर है 4 2 4 0 विद बेस 5, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, बेस 10 यानी डेसिमल में, ये हमें डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, हम करेंगे क्या कि इस नंबर को हम ले लेंगे, इसका सम लेंगे किस चीज के साथ, मल्टीपल ऑफ 5 पावर के। ठीक है, कैसे, इसे हमने ये नंबर लिया 4 2 4 0। ठीक है, अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे
5 की पावर 0, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2, इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3। अगर एक और होता तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते 5 की पावर 4। ठीक है, अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, डेसिमल होगा। तो चलिए चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में ऐड करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 या 5 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 क्यूब। ठीक है, अब देखें ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये वाला तो जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो जीरो मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, प्लस तो इस तरह आ जाएगा। 5 की पावर 1 5 मल्टीप्लाई 4 तो ये क्या आ जाएगा, 20। ठीक, अच्छा 5 स्क्वायर कितना आता है, 25 मल्टीप्लाई 2, 25 मल्टीप्लाई 2 क्या आता है, 50। ठीक, अच्छा अब 5 क्यूब क्या आता है, 5 क्यूब आता है जी 125 मल्टीप्लाई 4 ये आता है। अच्छा 0 प्लस 20 प्लस 50 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 500, क्या आता है, 500। अच्छा अब इन सबको क्या कर लें, आपस में ऐड कर लें, तो ये 500 प्लस 50 प्लस 20 ये आ जाएगा 550, ये प्लस 20 570 और 0 तो 0 ही, इस तरह तो ये आ जाएगा 550 प्लस 20 इज इक्वल टू 570। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया डेसिमल में, तो ये हमारे पास डेसिमल में ये नंबर वापस से दोबारा से आ गया। तो देखें दोस्तों ये हमने कर लिया बेस 5 टू डेसिमल कन्वर्जन, वही वाला नंबर जो हमने डेसिमल टू बेस 5 में कन्वर्ट किया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो, आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आती रहे। इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।